हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं जा रहा हूँ ट्रैम्पोलिन पार्क फर्स्ट टाइम। तो वैसे तो ये अभी नए नए आए हैं पुणे में, पर ऑलमोस्ट 1-2 साल आई थिंक हो गए इनको खुले हुए। तो 2-3 ट्रैम्पोलिन पार्क्स यहाँ पे है। तो मैं आज हिंजेवड़ी में जो फेज़ टू में एक बटरफ्लाई ट्रैम्पोलिन पार्क करके है वहाँ पर जा रहा हूँ। और मैं आज इसमें वीकडे में जा रहा हूँ क्योंकि वीकेंड्स पे जो है इनके प्राइजेस ज़्यादा है। तो वीकडेज़ में भी वैसे मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो वीकडेज़ में आपको 500 का अराउंड पर आवर आपको यहाँ पे ट्रैम्पोलिन पार्क में एंट्री मिल जाती है। पर आई थिंक 1 से 2 घंटे मोर देन इनफ हो जाते हैं इसमें। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो आपके लिए 1 घंटा भी काफ़ी है, और अगर आप मिड या फिर प्रो लेवल पे हो तो आप 2 घंटे आराम से अंदर एंजॉय कर सकते हो। तो आपको भी अगर कभी भी जाना है तो गूगल मैप से आप इनकी लोकेशन निकाल सकते हो, और वहीं पे वेबसाइट भी दे रखी है तो उस पर जाकर आप प्राइजेस वगैरह जो भी है वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, आप फटाफट से बिना और टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बताता हूँ वीडियो के एंड में।
जैसे कि आपने देखा, ये था कुछ ओवरऑल ट्रैम्पोलिन पार्क की सारी एक्टिविटीज़, जो कुछ भी मैंने करी आपको मैंने इस वीडियो में दिखा दी है। तो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, वैसे तो अच्छा खासा वर्कआउट हो गया, जिम से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे अपना स्वेटिंग और जो आपकी कैलोरीज बर्न वगैरह होती है वो आई थिंक हो गई यहाँ पे मेरी। और स्टाफ वगैरह भी काफ़ी हेल्पफुल था, जो कुछ भी चीज़ें हमको नहीं पता थी वो हमने उनसे पूछी तो उन्होंने मेरे को ट्रायल वगैरह भी करके बता दिया पहले कि कैसे क्या ये एक्टिविटीज़ करनी है और वो सब। और उसके अलावा सिर्फ एक चीज़ मेरे को नेगेटिव लगी कि जो फोम पिट जो इसका था, जिसमें आपको फ्री फॉल करना होता है पीछे बैक साइड में, तो वो फोम पिट जो है वो पूरा डस्ट से भरा हुआ था। उसमें कूदने के बाद आपको मतलब छींके आना तो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी और बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो उसमें थी, तो वो एक मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा। और उसके अलावा एक सबसे इंटरेस्टिंग जो है, जिसमें कि आप एक बलून पे लेटते हो और फिर दो बंदे उस पर कूदते हैं और आप ऊपर जंप करते हो उसकी वजह से, वो वाली एक्टिविटी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। पर उसका एक ड्रॉबैक ये था कि वो आपको सिर्फ एक ही बार करने को मिलती है, जब आपका एग्जिट का टाइम होने वाला होता है तो आप एक बार वो एक्टिविटी सिर्फ कर सकते हो। तो बस ये दो चीज़ें थी जो कि मेरे को पसंद नहीं आई, बाकी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, एक बार तो ज़रूर विजिट करना चाहिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।